अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा से रिम्स के पेंग वार्ड में मिलने जाने वाले लोगों से भी ईडी पूछताछ करेगी। बताया जाता है कि रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा से पेंग वार्ड में होगी। अनजान लोगों के आने जाने की जानकारी ईडी को मिली है। पेंग वार्ड के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज को ईडी ने खंगालना शुरू कर दिया है। रिम्स प्रबंधन से मिले सीसीटीवी फुटेज की प्रारंभिक जांच में 29 जुलाई से अब तक पंकज मिश्रा से करीब 12 अनजान लोगों के मुलाकात करने की जानकारी ईडी को मिली है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने पंकज मिश्रा से पेंग वार्ड में जाकर मुलाकात की, उन्हें ईडी जल्द ही समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। बताया जाता है कि ईडी को सूचना मिली थी कि पंकज मिश्रा से कई लोग मिलने आ रहे हैं। इसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। पंकज मिश्रा से जो लोग उनके पेंग वार्ड में मिलने आते थे, वे अपने मोबाइल से उसे राज्य के कुछ बड़े अधिकारियों से बात करवाते थे। इसके बाद ही ईडी ने रिम्स से 29 जुलाई से लेकर अब तक का सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। लेकिन शुरू में रिम्स ने सिर्फ एक महीने का ही सीसीटीवी फुटेज ईडी को उपलब्ध कराया था। लेकिन ईडी के दबाव के बाद रिम्स प्रबंधन ने 29 जुलाई से लेकर अब तक का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया है। ईडी ने 20 अक्टूबर को पंकज मिश्रा के दो सहयोगियों चंदन यादव और सूरज पंडित को अपने मोबाइल से कई हाई प्रोफाइल लोगों से बात कराते पकड़ा था। दोनों पंकज मिश्रा के ड्राइवर हैं। 14 नवंबर को पंकज मिश्रा के स्वास्थ्य का रिव्यू रिम्स में किया जाएगा। पंकज मिश्रा ने पीएमएलए की अदालत में जमानत की याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 16 नवंबर को होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।